हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेग के बारे में, जिसको कि हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, प्लेग, जिसको कि ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली ये जो बीमारी है ये बहुत रेयर होती है। रेयर जूनोटिक डिजीज़ है, जो कि रोडेंट्स में पाई जाती है, जैसे कि रैट्स और स्क्विरल में। दोस्तों, ये बीमारी एक रोडेंट से दूसरे रोडेंट में फ्ली बाइट के थ्रू पहुँचती है। दोस्तों, अगर ये फ्ली किसी ह्यूमन को बाइट कर ले, यानी कि जिस फ्ली के अंदर ये बैक्टीरिया हो जो कि ब्लैक डेथ को करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया आपके प्लेग को फैलाते हैं उसकी अगर फ्ली कैरियर है और वो अगर ह्यूमन को बाइट कर ले, तो ये इन्फेक्शन ह्यूमन के अंदर भी फैलने लगता है। दोस्तों, हमारे इंसानों के अंदर ये तीन चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, लिम्फ नोड्स, ब्लड्स और लंग्स को। अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्लेग बीमारी फैल जाए, तो उसके जो लिम्फ नोड होते हैं वो चिकन के अंडे की तरह सूज जाते हैं। अगर ये बीमारी ब्लड में फैल जाए, यानी कि फ्ली ने आपको बाइट किया और जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ब्लड में आ जाए, तो वो ब्लड के अंदर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। तो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देने से होता क्या है कि पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाती है, और खून रुकने की वजह से उंगलियाँ और वो पर्टिकुलर पार्ट काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर ट्रीटमेंट सही वक्त पर ना मिले तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से अगर लंग्स में ये जो बैक्टीरिया हैं वो पहुंच जाएं, तो लंग्स में रैपिडली ये डिवाइड करते हैं और लंग्स में ये निमोनिया कॉज करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये प्लेग बीमारी होती है, जो कि इंसानों के शरीर में फैलती है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, इंसान की डेथ होती है। इसीलिए इस बीमारी को कहा गया है ब्लैक डेथ। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर हाईली एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती है, हाई डोज एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया प्लेग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।